Hi guys, this is Jiyar and you are watching Work at Our Job Helpful. Friends, मैं आपको एक जॉब देने वाला हूँ, वो जॉब जो रनिंग जॉब है, जो ऑलरेडी चल रही है, वो जॉब देने वाला हूँ. और जो जॉब्स फुल हो गई है, फिल हो गए हम लोगों के पास, उसका जॉब भी अपडेट देने वाला हूँ आपको. तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल वीडियो है. जो आप बार बार कॉल कर करके पूछते हैं कि सर अभी कौन सा जॉब खाली है, कौन सा जो है वैकेंट है, हम उसके जॉब के लिए आ रहे हैं, तो उसी का मैं पूरा आपको अपडेट देने वाला हूँ आज, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप इजीली हम लोगों को फ़ोन कर सकें वो जॉब के रिगार्डिंग. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों के पास प्रजेंट टाइम सिर्फ और सिर्फ HUL कंपनी में प्रमोशन का काम है, जिसमें हिंदी और कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, कोई सा भी लैंग्वेज वाला बंदा चलता है, लेकिन उसको थोड़ा इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आना चाहिए, जिसकी सैलरी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाली हुई है, वो चाहिए तो आप देख सकते हैं, या फिर मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक छोड़ दूंगा, या फिर नीचे जो है नंबर छोड़ दूंगा, लिंक छोड़ दूंगा, उसको देख सकते हैं. वो जॉब खाली है जिसकी सैलरी 15,000-16,000 रहती है और सिर्फ 5 घंटा ड्यूटी रहती है. जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ बेंगलोर में रह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए है, क्योंकि उसमें रूम खाना पीना फ्री नहीं रहता है. प्लस गाइस, इसके अलावा एक और जॉब है कपड़े की फैक्ट्री का, जो मैं कई बार बोला हूँ कि कम सैलरी लेकिन लाइफ टाइम नौकरी, यस कम सैलरी लाइफ टाइम नौकरी, वो वाली जॉब अभी भी खाली है, चल रही है, लड़के आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, काम कर रहे हैं. उसमें रहता है आपका कि 1 तारीख से लगाकर 20 तारीख तक आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 1 तारीख से लगाकर 20 तारीख तक आ सकते हैं. 20 के बाद कंपनी जो है नहीं लेती है कैंडिडेट्स को. कपड़े की फैक्ट्री का चाहिए तो मैं और नीचे लिंक छोड़ दूंगा, आप उसमें पूरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें सैलरी कितनी रहती है, टाइमिंग कितना रहता है. फिर भी मैं आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि ड्यूटी हमारे यहाँ आपको 8 घंटा 9 घंटे की ही मिलेगी, 12 घंटे की जॉब की ड्यूटी है ही नहीं है, हम लाते ही नहीं वो आपके लिए. हाँ, सिक्योरिटी लाइन की रहती है, सिक्योरिटी जॉब्स की कभी कभार आती है. इसके अलावा हम लोगों के पास कोई भी जो ड्यूटी नहीं रहती है जो 12 घंटा ड्यूटी की ही हो आपकी. 8 घंटा 9 घंटा 8 घंटा 9 घंटा, जिसमें 9 घंटा रहेगा तो आपका जो है 1 घंटा खाने पीने का लेके 8 घंटा काउंट होता है. तो वही सब जॉब्स रहती है हम लोगों के पास. तो गाइस, फैक्ट्री वाली जॉब जो है ऑलरेडी अभी चल रही है, जिसकी जो है टाइमिंग सुबह 9 से 5 तक रहती है, और स्टार्टिंग सैलरी जो रहती है, स्टार्टिंग बता रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता हो, अंगूठा छाप, उसके लिए जो सैलरी रहती है वो रहती है 10,500 रुपये. एक बात और गाइस, इसमें कंपनी रूम और खाना फ्री नहीं देती है, गौर से सुनिए, इसमें रूम और खाना फ्री नहीं है. अभी हम लोगों के पास रूम फ्री, खाना फ्री वाली कौन सी भी जॉब नहीं है. रीज़न ये है कि पिछले 10-15 दिनों से ऐसी कोई सी भी जॉब नहीं आ रही है, और जो ऑलरेडी हम लोगों के पास जॉब आई हुई थी, काम आया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ था, वो सभी का सभी फुल हो रखा, पूरा भर रखा, पूरा फील्ड हो रखा है. उसमें हमारे भाईचारे हिंदी लोग, भाई साहब इतने ना आ गए हैं कि जहाँ एक बुलाते हैं वहाँ 10 आ जाते हैं, अपने चाचा का बेटा, मामा का पोता, मतलब सब फ्रेंड सर्कल में जो है एक एक की जगह 20-20 आ गए हैं. तो वो पूरा का पूरा जो फुल है अभी, उसमें हम लोग लड़के लोगों को एक बार ज्वाइन होने के बाद निकाल भी नहीं सकते, और गाँव से आए हुए बंदे को वापस भेज भी नहीं सकते. तो जितना आया उतना हम लोगों ने ले लिया है. इसलिए गाइस, जॉब आपको फ्री की मिलेगी, जॉब का आपको कोई सा भी पैसा नहीं लिया जाता, जहाँ दूसरी जगह लिया जाता है ज्वाइनिंग फीस के नाम पे या फॉर्म के नाम पे 300 रुपये 400 रुपये 4,000 रुपये 5,000 रुपये 3,000 रुपये जो भी है, वो सब हम लोग नहीं लेते हैं. ज्वाइनिंग फीस के नाम से हम लोग आपसे पैसा नहीं लेते हैं. जॉब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ फ्री आपको जॉब दिलवाते हैं, दिलवाते नहीं हैं, जॉब पे काम पे लगाते हैं. लेकिन जो फ्री रूम रहता है, फ्री फूड रहता है, वो सब अभी जॉब हम लोगों के पास प्रेजेंट टाइम में नहीं है, प्रेजेंट टाइम में नहीं है. आगे का हम लोग बता नहीं सकते, कंपनी प्रोसेस कर रही है, हो सकता है कि 1-2 कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा आ जाए जिसमें रूम फ्री, खाना फ्री वाला मिले, लेकिन प्रेजेंट टाइम हम लोगों के पास वो सब नहीं है. फ्री का जॉब रहेगा, करना चाहते तो आ सकते हो. कपड़े का फैक्ट्री का आपके आपको जो है एनी टाइम जॉब मिलेगा, 1 तारीख से लगाकर 20 तारीख तक ज्वाइनिंग रहती है, सोमवार से लगाकर शुक्रवार तक जो ज्वाइनिंग रहती है, और टाइमिंग 9 बजे से लगाकर 2 बजे तक ज्वाइनिंग रहती है. इस अकॉर्डिंग आप अप्लाई करते हैं, आते हम लोगों के पास, तो हम लोग ज्वाइनिंग करवा देते हैं आपकी. हमारा कैंडिडेट ऑलरेडी उस फैक्ट्री में है बंदा, वो आपको सीधा हाथ पकड़ के अंदर डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, सीनियर से मिलवाएगा, HR से मिलवाएगा, लाइन में लगवाएगा, वहाँ ज्वाइनिंग करवाएगा, उसका वही काम है.
तो गाइस कपड़े की फैक्ट्री का खाली है, इसके अलावा सेल्स प्रमोशन प्रमोटर का खाली है एचयूएल कंपनी का। रही सेल्स प्रमोशन प्रमोटर की बात, तो वो तो आता जाता रहता है, अभी ये चल रहा तो कभी जो है नेक्स्ट वीक दूसरा आएगा, तो सैटरडे संडे भी जॉब आता है, तो वो सब जो है लोकल में जो हम लोगों के पास चलती रहती है। अगर कोई लोकल वाला बंदा चाहे कि मैं ये सब जॉब करूँ तो हम लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकता है। और जो फैक्ट्री के लिए बंदा आना चाहता है, मेल हुआ फीमेल हुआ लेडीज हुआ या फिर आदमी हुआ, कौन सा भी जो है चलता है। इसके लिए एज तो आपको पता ही है, मैंने वीडियो में ऑलरेडी उसमें बता दिया, फिर भी एक बार बता दूं कि एज जो उसमें रहती है 18 से ऊपर रहती है और 35 तक लास्ट रहती है। आप 35 साल के हैं तो भी जो है कंपनी इसमें लेती है, और अच्छा रिटायरमेंट रहता है इसमें, कम सैलरी लाइफ टाइम जॉब, कहने का यही मतलब है। कम सैलरी रहती है, आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। कुछ भी नहीं आता तो 10,500, अच्छा टेलर का काम आता है तो 12-12,500 प्लस, इसके अलावा ओटी मिलती है आपको, ओवर टाइम मिलता है 1 घंटा 2 घंटा, अगर डेली का भी ओटी मान के चले तो 3-4 हज़ार रुपये आपका ओटी का निकल आता है। प्लस संडे संडे छुट्टी रहता है इसमें, एवरी संडे छुट्टी रहता है। प्लस ESIPF डिडक्ट होता है इसमें, ESIPF आप 5 साल 6 साल बाद में जब भी आप विड्रॉ करवाएंगे तो आपको 1 लाख 2 लाख रुपए ESIPF का PF का मिलता है। प्लस इसके अलावा ESI की फैसिलिटीज रहती है, ESI का मतलब है कि आप अपनी बीबी अपनी मम्मी और अपने 2 बच्चों का इलाज फ्री में करवा सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कितना भी खर्चा क्यों ना हो, इसका मतलब ESI है। तो ESIPF रहता है, सैलरी मैंने आपको बता दी कि अकॉर्डिंग टू यू आपका एक्सपीरियंस क्या है उसके हिसाब से कंपनी आपको सैलरी प्रोवाइड करती है। टाइमिंग जो है 9 से 5 रहता है इसमें, हर दीपावली या फिर हर दशहरा के दिन इसमें आपको गिफ्ट मिलता है कंपनी की तरफ से। प्लस इसमें जो है बोनस मिलता है, दीपावली बोनस दशहरा बोनस, और हर एक साल में आपकी सैलरी बढ़ती है इंक्रीज होती है। जो हम लोगों के पास इस कंपनी में पहले 10 साल पहले जो बंदा काम कर रहे थे ना, आज वो अच्छे पोस्ट पे है, जिसकी सैलरी 25,000 30,000 तक है, आज अच्छा कमाते हैं, 10 10 साल 15 15 साल जो है छोट को जाने की जरूरत नहीं रहती है। हाँ इसमें हार्ड वर्क रहता है थोड़ा, लेकिन अच्छी जॉब रहती है, कम सैलरी वाली जॉब रहती है स्टार्टिंग में, लेकिन कम सैलरी लाइफ टाइम जॉब रहती है। आपको बेंगलोर में सेटल करने जैसी जॉब्स रहती है, इसमें रूम खाना पीना फ्री नहीं रहता, इसमें रूम आपको भी देना पड़ता है, खाना ही आपको लेना पड़ता है। अगर कोई बेचलर है तो वो बंदा पीजी में रह सकता है, पीजी का जो खर्चा आता है वो मिला के आपको मान के चलिए कि स्टार्टिंग में एक अलग अलग पीजी का लेता है, जिसमें कोई फूड फ्री देता है, जिसका 3-4 हज़ार रुपये चार्ज लेता है, या फिर जिसमें सिर्फ और सिर्फ रहना का देता है जो 2 हज़ार रुपये चार्ज लेता है, वो सब अलग अलग जो है कैटेगरी का अलग अलग पीजी रहता है। खाने का एक मान के चलो कि आदमी अगर जो है 1.5 2 हज़ार रुपये पीजी का मान के चले, या फिर 2 हज़ार रुपये खाने का मान के चले, तो 4 हज़ार रुपये समझ लो, अगर मान लो उसको 13 हज़ार रुपये महीने का आता है, तो 4 हज़ार में से अगर निकाल 13 में से 4 निकाल दे तो 9 हज़ार रुपये बचता है। तो 9 हज़ार रुपये ईजिली आप आदमी बचा सकता है इसमें, बचाने वाला होना चाहिए। अगर फैमिली वाला है तो और भी अच्छी बात है, कहीं पर भी एक रूम ले लीजिए 3-4 हज़ार रुपये रेंट का आराम से, अगर एक 10 10 हज़ार स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, 10 हज़ार का 10 हज़ार भी सैलरी अगर मान के चले मियाँ बीबी के, तो 20 हज़ार हो जाती है, और ओटी मिला के मान के चले तो 3 3 हज़ार के हिसाब से 6 हज़ार 26 हज़ार रुपये आपका जो है सैलरी बढ़ता है मियाँ बीबी का। अगर मान के चलिए 6 हज़ार भी खाना पीना रूम मिला के चला जाए तो 20 हज़ार बचता है, 20 हज़ार भी छोड़ दीजिए, कम से कम 15 हज़ार तो आप बचा लेते हैं। तो गाइस फ्री का अभी जॉब नहीं है, फ्री का मतलब कहने का कि रूम फ्री खाना फ्री वाला जॉब नहीं है प्रेजेंट टाइम में हम लोगों के पास। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमारे भाई बंधु से, कि फ्री की डिमांड अभी ना करें, हम लोगों के पास जॉब है फ्री वाली, लेकिन रूम फ्री खाना फ्री वाली जॉब नहीं है प्रेजेंट टाइम में। मैंने जो जॉब्स बताई है वो चल रही है अभी, 1 तारीख से 20 तारीख तक रहती है, आप कभी भी आ सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस अच्छा हेल्पफुल वीडियो, एक और बात गाइस, कि मैं चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना ऑफिस का एड्रेस छोड़ दूंगा, कृपा करके वो उसका एड्रेस देख लीजिए, वहाँ आ सकते हैं आने वाले बंदे। और सैटरडे और संडे कॉल ना करें फ्रेंड्स मेरे, सैटरडे और संडे कॉल करते हैं कि हम लोग फ़ोन आपका रिसीव नहीं कर पाते हैं, हाँ कभी कभार आपको जो है रिस्पॉन्स दे देते हैं, लेकिन सैटरडे संडे कॉल कभी ना करें, ताकि आप लोग को तकलीफ ना हो, आपके मन में कुछ डाउट ना आए। सैटरडे संडे आप कॉल करते हैं बार बार, हम लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं क्योंकि हम छुट्टी पे रहते हैं, तो फिर आप लोगों के मन में कुछ एक अलग ही विचार आता है कि यार कैसा कंपनी है, फेक कंपनी है, साला फोन ही नहीं उठाता, या फिर फोन उठाता था अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, सैटरडे संडे कॉल ना करें, सोमवार से लगाकर शुक्रवार तक आप आराम से 9 बजे से लगाकर 4 बजे तक कॉल करें हम लोगों को, हम लोग आपको रिस्पॉन्स देंगे,
कॉल का रिस्पॉन्स देंगे, कॉल का जवाब देंगे, आपका जो है उत्तर का क्वेश्चन का प्रश्न देंगे, और आप व्हाट्सएप भी चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के भी जो हम लोग रात के 9 बजे 10 बजे तक व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहते हैं, लेकिन कॉल पे अवेलेबल नहीं रहते। कॉल पे सिर्फ और सिर्फ 4 बजे तक ही अवेलेबल रहते हैं। आप चाहिए तो हम लोगों को व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हम लोग 10 बजे तक जो है आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। एक और बात, हमारी टीम ने जो है पिछले 1 हफ्ते में, लास्ट एक में बोला ना कि ये इस हफ्ते जो आपको कॉल करेगी, लोकल से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, हमारी टीम ने लोकल लोगों से जो है काफ़ी जो फॉर्म आया हुआ था उनको कॉल्स किया। उस पर पता चला कि हम लोगों को 100 आदमी को कॉल किया, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10 कैंडिडेट ही मिले हैं हम लोगों को काम के लिए। रीजन, जिसको भी कॉल करो वो ऑलरेडी कहीं पे ज्वाइनिंग रहता है, ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहा रहता है, या फिर उसको हम लोगों की जो जॉब बताते हैं उसको इंटरेस्टेड नहीं रहता है, या फिर उनको हम लोगों का क्राइटेरिया मतलब पसंद नहीं आता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक जो आउट ऑफ स्टेशन वाले हैं हिंदी वाले, उन लोगों को कॉल करना चालू करेंगे कि भाई हम लोगों के पास ये कॉल्स, हम लोगों के पास ये जॉब्स है, इसके लिए आप अवेलेबल है, आ सकते तो आ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीक ट्राई करेंगे कि आउट ऑफ स्टेशन वाले को कॉल करें वो फॉर्म देख के। और एक इम्पोर्टेंट बात गाइस, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा कल से लाइव, यस लाइव चैटिंग पे, लाइव चैट पे। आप मुझे शाम के 4 बजे से लगाकर 6 बजे तक 2 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा इसी पे यूट्यूब पे चैट में, लाइव में। आप मुझे लाइव कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जॉब के बारे में पूछ सकते हैं, नौकरी के बारे में पूछ सकते हैं कि सर अभी कौन सा खाली है, अभी कौन सा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ये जो जॉब बताया था उसका क्या चल रहा है, इसकी सैलरी क्या है, उस जो भी एक्स वाई जेड सर मेरा एक्सपीरियंस यह है, मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भी आपका क्वेश्चन है वो हम लोगों से आप सीधे कर सकते हैं। कल से जो है आपका लाइव चैटिंग चालू होगा हम लोगों के साथ में, मैं लाइव रहूँगा 2 घंटा, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा, 3 बजे सॉरी हाँ सॉरी 4 बजे से लगाकर 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा एवरी डे। एवरी डे कोशिश करूँगा कि एवरी डे रहूँ, कंपनी का क्या रूल्स आता है देखते हैं, लेकिन मैं हम लोग लाइव रहेंगे आपके लिए। तो गाइस आपके लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे बतानी थी, मैं बता दिया। दो जॉब्स अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में, जो जो करना चाहता है वो बंदा सेल्स के लिए मुझे रेज्यूम भेज करे, और ये जो फैक्ट्रीज वाले बंदे हैं वो मुझे अपना इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन और यूट्यूब, आई एम इंटरेस्टेड इन फैक्ट्री जॉब करके मुझे अपना बायोडाटा सेंड करे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।